तो भाई लोग, मैं हूं काशिफ। और आप देख रहे हैं बोली किंग। आज हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान की किंग मूवी के बाद जो मूवी आएगी फिर से, पठान के फेमस डायरेक्टर सिद्धांत आनंद के साथ। दोस्तों, ये मूवी एक्शन ड्रामा मूवी नहीं होगी, ये मूवी थ्रिलर नहीं होगी। इस मूवी के अंदर दोस्तों कोई भी एक्शन सीक्वेंस नहीं होगा, फिर भी ये मूवी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। अब आपके दिमाग में ये होगा कि भाई ऐसी कौन सी मूवी आने वाली है। भाई शाहरुख खान ने पठान करी, जवान करी, फिर भाई डंकी करी। दोनों का कलेक्शन दोस्तों कंपेयर करो तो भाई पठान जवान का कलेक्शन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऊपर है और भाई डंकी का कलेक्शन बहुत ज़्यादा नीचे है। तो सिद्धार्थ आनंद एक न्यू स्क्रिप्ट और न्यू अवतार की दोस्तों प्लानिंग कर रहे हैं और शाहरुख खान के साथ दोस्तों बातचीत चल रही है। वो कौन सी मूवी होने वाली है, इस वीडियो में बात करेंगे कई सारी बातें। शाहरुख खान की मूवीज़ के बारे में भी करेंगे, सिद्धार्थ आनंद के बारे में भी करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल ने सपोर्ट करें। दोस्तों, आप सबको तो पता है कि भाई शाहरुख खान इस वक्त अपनी किंग मूवी की शूटिंग में व्यस्त हैं, यानी कि भाई शूटिंग तो अभी इसकी चल रही है, लेकिन शूटिंग किंग मूवी के स्क्रिप्ट में उसको कैसे बनानी है, क्या करना है, यानी कि किंग मूवी की प्लानिंग में दोस्तों व्यस्त हैं। क्योंकि भाई कुछ दिनों बाद, यानी कि कुछ महीनों बाद इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। तकरीबन 1.5 साल इसकी शूटिंग चलेगी, इस तरह की बातें बताई जा रही है। क्योंकि भाई आप सबको तो पता है कि भाई किंग मूवी 2026 ईद के मौके पर सिनेमा घरों में तबाही मचाएगी। अब बात करते भाई मेन पॉइंट की। दोस्तों, आप सबको तो पता है कि भाई पठान मूवी के फेमस डायरेक्टर सिद्धांत आनंद का कहना है कि भाई मेरे पास एक हॉरर मूवी है, यानी कि हॉरर स्क्रिप्ट है। इसे कोर्ट रूम ड्रामा के नाम से इसके प्रेजेंट करेंगे, बॉक्स ऑफिस पर इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि भाई हॉरर ड्रामा, क्योंकि सिद्धार्थ आनंद कहना है कि भाई आज के जो दौर में भाई हॉरर ड्रामा का बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि भाई शाहरुख खान इसके अंदर हिस्सा लें। और एक आप सबको तो पता है कि भाई एक इवेंट के दौरान सिद्धार्थ आनंद ने कहा है कि भाई मेरे पास स्क्रिप्ट भी रेडी है, लेकिन मैं शाहरुख खान के पीछे पड़ा हूँ। यानी कि कहने का मतलब ये, कई बार कहा और शाहरुख खान को इतना टाइम नहीं कि भाई मेरे स्क्रिप्ट भी पढ़ें, इस तरह की बातें बताई जा रही है। तो कहने का मतलब है कि भाई शाहरुख खान के पास टाइम नहीं है स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए। और दोस्तों भाई, ये एक बहुत बड़ी हॉरर ड्रामा मूवी होने वाली है। आप सबको तो पता है कि भाई सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन पर किसी को कोई भी शक नहीं है। भाई मुझे तो भाई शक है नहीं, अगर भाई वो कैसी भी फिल्म लेकर आ जाएं, भाई बॉक्स ऑफिस पर तहलका ही मचेगा। लेकिन भाई शाहरुख खान मेरे हिसाब से भाई इस तरह की भाई मूवी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ये हॉरर ड्रामा मूवी है। शाहरुख खान ने कभी ज़िंदगी में भाई हॉरर मूवी नहीं करी, ऊपर से भाई ये कॉमेडी मूवी है, यानी कि हॉरर ड्रामा प्लस कॉमेडी मूवी। तो इस तरह की भाई मेरे हिसाब से भाई शाहरुख खान को मूवीज़ नहीं करनी चाहिए। बाकी शाहरुख खान की जो इमेज है, आपको याद होगा 2023 के अंदर भाई पठान आई थी, पठान ने क्या करा था, एक तरफ बाइकॉट गैंग, दूसरी तरफ दोस्तों शाहरुख खान के फैंस, क्या धमाका हुआ था। उसके बाद दोस्तों बैक टू बैक भाई जवान आई 3-4 महीने बाद, क्या हुआ था, बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद दोस्तों भाई सोशल ड्रामा मूवी आई, क्या हुआ था भाई, राजकुमार हिरानी की बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि भाई ये मूवी बहुत बड़ा धमाका करेगी, ऊपर से भाई सलार से क्लेश। लेकिन दोस्तों ये काबिले तारीफ़ है डंकी मूवी की, भाई क्लेश होने के बाद भी तकरीबन 470-80-90 करोड़ भाई इस बंदे ने कमा ली है। वो इसकी वजह ये थी कि भाई दो फिल्में ब्लॉकबस्टर देने के बाद तीसरी फिल्म दोस्तों भाई खिंची जाती है। अगर भाई शाहरुख खान की पठान जवान फ्लॉप होती या एवरेज देती तो भाई डंकी मूवी मुझे लगता है कि भाई 200 करोड़ भी नहीं कमा पाती सालार के सामने। ये रियलिटी है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि कोई वीडियो दोस्तों किसी की यूट्यूब पर चल जाए तो भाई सेकंड वीडियो भाई चलना लाजमी ही होता है। दोस्तों अगर आप इसकी जैसी मूवी बना देंगे तो भाई शाहरुख खान ने पठान जवान के बाद अपनी स्क्रिप्ट बदली, अपना दोस्तों कंटेंट बदला, तो भाई कलेक्शन भी बदल गया डंकी मूवी का। तो कहने का मतलब है कि भाई अब टाइम शाहरुख खान एक्शन मास मूवी करने के लिए स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं और बहुत सारे डायरेक्टर शाहरुख खान को इसकी पढ़ा भी रहे हैं, यानी कि भाई सुना रहे हैं, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई भाई सिद्धांत आनंद कह रहे हैं, अब भाई ये बात शाहरुख खान तक पहुंचेगी। हो सकता है दोस्तों भाई ये शाहरुख खान इस मूवी के लिए रेडी हो जाएं, हॉरर ड्रामा मूवी के लिए, क्योंकि भाई इसका बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है। और भाई इसकी जो स्क्रिप्ट अगर वायरल हो जाए, यानी कि भाई दोस्तों इसकी स्क्रिप्ट दोस्तों अच्छी निकल जाए, तो दोस्तों ये मूवी भाई स्त्री डू की तरह भी भाई चल सकती है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं, शाहरुख खान का इसके अंदर करेक्टर क्या होगा, अभी तो भाई शाहरुख खान ने कोई हाँ भी नहीं बोला, फिर भी हम दोस्तों अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई ये मूवी करेक्टर क्या होगा। जैसे कि आप स्त्री 2 देख सकते हैं, भूल भुलैया 3 देखेंगे, इस तरह की भाई ये मूवी हो सकती है हॉरर ड्रामा कोर्ट रूम मूवी। तो गाइस, आप क्या कहना चाहते हैं सिद्धार्थ आनंद की इस स्क्रिप्ट के बारे में, क्या कहना चाहते हैं, क्या शाहरुख खान को मूवी करनी चाहिए? बाकी कुछ दिनों बाद ये अपडेट फाइनल हो जाएगा कि भाई
शाहरुख खान अगर हो सकता है भाई इसका जवाब देते हैं सोशल मीडिया पर आकर या फिर अपने ट्विटर हैंडल से, तो दोस्तों पता चल जाएगा कि भाई शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी एक और भाई सिद्धार्थ आनंद के साथ भाई साहब जुड़ जाएगी। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं इस मूवी के बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, नया चैनल सपोर्ट करें।